Hi guys, I am नीतू निगम and welcome to my channel My patshala by नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम समर ओलम्पियाड से प्रैक्टिस सीट फॉर क्लास थर्ड के लिए मैं प्रैक्टिस सीट लेकर आई हूँ। इस एग्ज़ाम में सिंगल पेपर की एग्ज़ाम होती है जिसमें टोटल क्वेश्चंस 35 रहते हैं, टोटल मार्क्स 100 के रहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर सिंगल क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में बटा रहता है: मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश एंड स्कॉलर सेक्शन। इन सभी से मेंटल से 6 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्कॉलर सेक्शन से 5 क्वेश्चन। समर ओलम्पियाड एंड इसके साथ ही विंटर ओलम्पियाड के एग्ज़ाम भी इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होते हैं। जो अभी मई में एग्ज़ाम होने वाली है इसकी, और अभी भी आप चाहें तो इसके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल एग्जामिनेशन ऑनलाइन होती है यहाँ पर। इससे संबंधित वीडियो हमने बना रखे हैं जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। साथ ही क्लास वाइज भी मैंने इसके सिलेबस एंड पैटर्न क्वेश्चंस के वीडियो बना डाले हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर एक बार उस वीडियो को देखें और अपने क्लास अनुसार वहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं। तो चलिए अभी हम क्वेश्चंस पैटर्न देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी से है, व्हाट नंबर विल कम्स नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। ये सीरीज दी गई है 1125, 1225, 1325 एंड 1425। इसमें नेक्स्ट सीरीज क्या होगा? तो सॉल्यूशन द पैटर्न फॉलो बाय द 1125 प्लस 100, 1225 प्लस 100, 1325, 14 प्लस 25 प्लस 100 इक्वल टू 1525। अर्थात इसमें सभी नंबर्स में प्लस 100 प्लस किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इफ ऑल द वॉवल्स आर रिमूव द गिवन सीरीज देन देयर आर कॉन्सोनेंट लेफ्ट। अगर इस सीरीज में से हम वॉवल को डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो कितने कॉन्सोनेंट बचते हैं? तो वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे 5 लेटर्स वॉवेल होते हैं। ये जहाँ जहाँ पे भी आ रहे हैं इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देती हूँ और उसके बाद हम काउंट करेंगे कि हमारा कॉन्सोनेंट कितना है, कितने लेटर कॉन्सोनेंट है। चलिए ये हमारे हाईलाइट हो गए ए, ई, आई, ओ, यू। अब कितने बच रहे हैं? 1 2 3। अब चलिए इसको हम पेंसिल ले लेते हैं और इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? 15। तो 15 इज द करेक्ट आंसर। सो चलिए करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ रेड बैलून इज बिटवीन द ब्लू। एक मिनट इसको हम नीचे ले लेते हैं। अ रेड बैलून इज बिटवीन द ब्लू एंड येलो वन, इफ द व्हाइट वन इज जस्ट आफ्टर वन देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ व्हाइट बैलून फ्रॉम द राइट हैंड। रेड बैलून जो है हमारा ब्लू एंड येलो के बीच में है। चलिए सॉल्यूशन भी इसके साथ करते जाते हैं। रेड बैलून हमारा ब्लू और येलो के साथ में है। इफ द वाइट वन जस्ट आफ्टर वन, और इसके जस्ट बाद वाइट बैलून है, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वाइट बैलून। तो वाइट बैलून का पोजीशन क्या होगा राइट हैंड से। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमारा लेफ्ट हैंड या राइट हैंड पूछा जाता है। यह राइट हैंड से कितने नंबर पे है? तो राइट एंड लेफ्ट एंड हम इस प्रकार देख सकते हैं। हमारा राइट हैंड से राइट काउंट करेंगे या लेफ्ट हैंड से लेफ्ट काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट एंड पूछा जा रहा है, तो हमारा लेफ्ट राइट हैंड जो है उससे हमारा लास्ट से फर्स्ट काउंटिंग अगर हम यहाँ से करते हैं तो हमारा पहला नंबर्स हो जाता है, पहले पोजीशन पे व्हाइट गुब्बारे हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। नेक्स्ट है, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 एंड 2 ए और बी में एक निश्चित रिलेशनशिप है। एस्टैब्लिश द सेम रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 3 एंड 4 बाय द सेलेक्टिंग सुटेबल टर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विद द रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द फिगर 4। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी में फिगर 1 और 2 में एक रिलेशनशिप है, उसी प्रकार नेक्स्ट रिलेशनशिप 3 एंड 4 फिगर में हमारा कौन सा रिलेशनशिप होगा। तो ए के बाद जी आ रही है, कौन सा रिलेशनशिप है। हम इस प्रकार के क्वेश्चंस में अल्फाबेटिकली नंबर्स काउंट करते हैं, A1 B2 C3 इस प्रकार हमने नंबर्स काउंटिंग किए हैं। तो A+6 इक्वल टू G यानी A के 6 नंबर के बाद हमारा G आता है, तो A+6 इक्वल टू G हो गया। तो E के बाद +6 हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, E F G H I J K 6 के बाद हमारा K नंबर आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अनु हैज 2 डिफरेंट इरेजर एंड 3 डिफरेंट पेंसिल्स। नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 1 इरेजर एंड 1 पेंसिल फॉर्म फ्रॉम द गिवन इरेजर एंड पेंसिल इज। अनु के पास 2 इरेजर और 3 पेंसिल है, तो इससे हम कितने कॉम्बिनेशन डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिसमें हमारा कॉम्बिनेशन में 1 इरेजर और 1 पेंसिल होना चाहिए। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इरेजर मान लेते हैं E1 एंड E2 है और पेंसिल P1 P2 एंड P3 ये मान लेते हैं। तो इसमें हमारा E1 से हम P1 P2 P3 की एक सीरीज बनाएंगे, फिर नेक्स्ट हम E2 से P1 P2 P3 की सीरीज बनाएंगे। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन पहले हम देख लेते हैं E1 P2 E1 P3, फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा E2 P1 E2 P2 और E2 P3। तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6। सो नंबर पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज ऑप्शन डी 6 कॉम्बिनेशन इससे हमारे बन सकते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें अलग कौन है, A D E B X Y C F H D M N। अल्फाबेटिकली नंबर में ये पोजीशन डायरेक्ट D E साथ में आते हैं, X के बाद Y आता है, F G H होते हैं और M N साथ साथ आते हैं। तो यहाँ अलग पोजीशन क्या हो रहा है, F G H इसके बीच एक लेटर्स आ रहे हैं, तो ये ऑड वन आउट है। आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपको ओलंपियाड एग्जाम से प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 मैथमेटिक्स ग्रुप आ गया, इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे ये हम देखते हैं। देयर आर डैश ग्रुप ऑफ 4 कार के ग्रुप्स हमें बनाने हैं, तो कितने ग्रुप्स बन सकते हैं, 3 9 6 या 4। तो चलिए इसके ग्रुप्स हम बनाते हैं। 4 कार के एक ग्रुप हमें बनाना है, एक ग्रुप हो गए, फिर नेक्स्ट हो गया हमारा ये दूसरा ग्रुप और ये हो गया 4 कार के तीसरे ग्रुप। तो कितने ग्रुप्स बन रहे हैं, 3 ग्रुप्स बन रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा 3। सो करेक्ट आंसर इज 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हट नहीं रहा है, एक मिनट मैं देख लेती हूँ कहाँ दिक्कत आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। विच प्लेस वैल्यू विल डिटरमाइन द लार्जर नंबर अमॉन्ग द 2। इसमें से 2 के जो है प्लेस वैल्यू, इसमें से लार्जर नंबर्स कौन से पोजीशन पे, 1s 100 10s या 1000s। तो चलिए इसको हम समझते हैं पहले कि क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से पोजीशन पे 2 नंबर के प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो 10 प्लेस डिटरमाइन द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स बिकॉज बोथ नंबर्स हैव सेम डिजिट सेट डिजिट्स एट 100 and 1000 प्लेस। यहाँ पर देख लीजिए 8,295 यानी 8 और 2 ये दोनों में दोनों नंबर्स में ये कॉमन हो रहा है हमारा। देखिए ये भी कॉमन हो रहा है और ये दोनों पोजीशन भी कॉमन हो रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट पोजीशन हो गया 95 एंड 59। तो 95 हमारा ये लार्जर है जो हमारा 10 पोजीशंस हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हो गया मल्टीप्लीकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड बाय मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन या नन। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, एडिशन। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस जो है एडिशन से रिपीटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 10, राजपूत 812 soup can on the shelf on a shop. Radha put 86 more can on the shelf. How many cans they are on the shelf together? अगर राज ने 212 सूप कैन सेल्फ पे रखा, शॉप के सेल्फ पे, और राधा ने कितने रखे 86, तो इसमें अगर हम प्लस करते हैं तो दोनों को मिलाकर कितने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 812 और यहाँ पे हो गया 86, तो प्लस करेंगे तो 6 और 2 8 हो गया, 8 और 1 9 और ये हो गया 8। ये ऑप्शन हमारा आ गया है 898। करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन ए। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। A water bottle cost ₹60. Find the cost of 9 such water. एक वाटर बॉटल का कॉस्ट 90 रुपीज़ है, तो हमें एक वाटर बोतल का कॉस्ट हमें 60 रुपीज़ है, तो हमें 9 बॉटल खरीदने हैं, तो कितने प्राइस होंगे, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 900 और 9 6 54, तो 540। तो करेक्ट आंसर क्या हो जा रहा है, 540 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। If tomorrow will be Thursday, then what day was day before yesterday? अगर कल Thursday है तो उसके पहले yesterday को कौन सा दिन पड़ेगा? Wednesday, Tuesday, Sunday या Monday? इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि किस प्रकार सॉल्व करना है। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पहले एक चार्ट बना लेते हैं। टुमारो विल बी थर्सडे, तो टुमारो थर्सडे कर दिए, तो आज क्या हो गया वेडनेसडे। यस्टरडे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा बीता हुआ कल, तो डे बिफोर यस्टरडे क्या हो गया मंडे। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी, मंडे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ नंबर द स्ट्रेट लाइन रिक्वायर टू ड्रॉ द गिवन फिगर। इसमें कितने स्ट्रेट लाइन की रिक्वायरमेंट है, तो चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी, 10 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया अपना 14। The given pictograph shows the number of students who were absent in the day of particular week. Study of pictograph and answer the following questions. ये कुछ पिक्टोग्राफ के द्वारा बताया गया है कि कितने बच्चे जो हैं पर डे एब्सेंट है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन देना है। Each group means 2 student। एक ये इमेज का मतलब है 2 स्टूडेंट्स, ये हमारा लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे नो स्टूडेंट वाज एब्सेंट। कौन सा ऐसा दिन था जिसमें कोई भी बच्चे एब्सेंट नहीं हुए थे, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑन विच डे नो स्टूडेंट वाज एब्सेंट, कौन से ऐसे दिन थे जिसमें कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सैटरडे देख रहे हैं, कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए सैटरडे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट इन हाउ मेनी, कौन सा ऐसा दिन था जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे एब्सेंट हुए थे और कितने हुए थे। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 इमेज बने हुए हैं और 1 इमेज इक्वल टू 2 स्टूडेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 इक्वल टू यहाँ पर हो रहा है 6, 3 इक्वल टू 6 हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 इंटू 2 से हम देख लेते हैं 3 इंटू 2 हो गया यहाँ पर 3 इंटू 2 यहाँ पे 6 स्टूडेंट हो गए, यहाँ पे 4 इंटू 2 हो गए, यहाँ पर 8 स्टूडेंट, यहाँ पे 2 हो गए तो 2 2 जा 4, 4 है यहाँ पे 8 हो गए, टोटल नंबर्स ऑफ यहाँ हो गए 10। तो 10 स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एब्सेंट है फ्राइडे को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर हो जाता है फ्राइडे 10। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर एब्सेंट इन वीक, पूरे वीक में कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं। तो कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं चलिए यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हो जाता है 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 यानी 4 हो गए, फिर 8 एंड 10। तो ये टोटल हो गए आपके 10 और 10 20 और 8 8 16, तो ये हमारे हो गए 36 टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर हम कर सकते हैं। ये हो गए हमारे 6 स्टूडेंट, ये हो गए 8 4 8 एंड 10। तो यहाँ प्लस करेंगे तो 6 एंड 4 10 हो गए एंड 10 20 और 8 एंड 16, ये हो गए हमारे टोटल 36 बच्चे जो हैं हमारे एब्सेंट रहे हैं पूरे वीक में। ठीक है, तो पूरे वीक में एब्सेंट रहे हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं ऑप्शन 36 किसमें आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज द 36 करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट हमारा हो जाता है स्कॉलर सेक्शन। स्कॉलर सेक्शन के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सॉरी, साइंस है, स्कॉलर सेक्शन नहीं है। साइंस के अंतर्गत पहला है चूज द करेक्ट एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज नीडेड, इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जिसको करने के लिए हमें वाटर की जरूरत होगी। टू प्ले, टू राइट, टू सिंग या टू मेक टी, इनमें से कौन सी एक्टिविटी में हमें वाटर की ज़रूरत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, चाय बनाने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टू मेक टी, जबकि खेलने के लिए, लिखने के लिए और गाना गाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, माई फेदर आई ग्रीन, माई बिग ग्रेट guava and green chili, I am fed, I love to emit people's voice and keep making a lot of noise, who am I? मेरे पंख हरे हैं और मेरी चोंच लाल है, मैं गुआवा और हरी मिर्च बहुत पसंद करता हूँ, मेरा फेवरेट है, मैं लोगों की वॉइस को बहुत पसंद करता हूँ और तो मैं कौन हूँ, मुझे पहचानना। पैरोट, ईगल, पिकॉक या क्रो, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैरोट। Next question number, what can be reason that a taxi driver has to be more careful when they're driving on the rainy day than driving on the hot summer day? क्या कारण है, क्या रीजन है कि टैक्सी ड्राइवर मोर केयरफुल होते हैं जब वो ड्राइव करते हैं रेनी डे में और हॉट समर डे में। तो a gravitational force between taxi and road higher on the hot summer day. Fractional force between taxi and road is lower on the rainy day. Gravitational force between taxi and road is lower on a rainy day. And number D, fractional force between taxi and road is lower on the hot summer day. तो correct answer हो जाएगा option B. Fractional force between taxi and road lower on the rainy day. अब सेक्शन लिस्ट आ जाता है 4 सेक्शन, इसके अंतर्गत भी 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नंबर 18, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ए, वेल्दी. मैन हैज फाउंडेड द कंपनी. कंपनी, वेल्थ, मैन या फाउंडेड. इसमें से हमें एडजेक्टिव फाउंड करना है. तो एडजेक्टिव क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर है वेल्थ, यानी संपन्न का. ये हमारा एडजेक्टिव्स हो गया. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल नाउन. इसमें से अनकाउंटेबल नाउन कौन है जिससे कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं? वो नाउन कौन सा है? फ्लावर, जिसे हम काउंट कर सकते हैं. कैट को भी हम काउंट कर सकते हैं. एंड सुगर, सुगर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. पेन, पेन को भी हम काउंट कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, सुगर. क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ नाउन इन द गिवन सेंटेंस. इसमें हमें नाउन के टाइप्स बताने हैं. इस सेंटेंस में नाउन किस टाइप का है? सी हैज अ कैट कॉल्ड किटी. उसके पास जो कैट है जिसे वो किटी बुलाती है. ए, कॉमन नाउन. बी, प्रॉपर नाउन. सी, कलेक्टिव नाउन. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रॉपर नाउन. Next, 21. Which one of the following words cannot be formed from the later to the given words? ये टीचर वर्ड दिया गया, इससे हम कौन सा ऐसे वर्ड है जिसे हम नहीं बना सकते हैं? फॉर्म मतलब नहीं बना सकते. चेयर्स बना सकते हैं. रिच, चेयर, स्पर्श. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेयर. चेयर की स्पेलिंग है CHAIR. आई यहाँ पर किसी भी टीचर्स लेटर्स में नहीं आ रहे हैं, जबकि चेयर्स, रिसर्च, सर्च, ये सारे लेटर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. आई हमारा नहीं दिख रहा है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. अब 5 जो है हमारा स्कॉलर सेक्शन आ जाता है. इसमें कुछ ट्रिकी एंड एडवांस क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं. तो चलिए देख लेते हैं. नंबर 22, Which of the following statement about the square is true? इसमें से स्क्वायर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? Two sides longer than two other sides. स्क्वायर हमारा शेप किस प्रकार का होता है? चलिए हम देख लेते हैं. स्क्वायर शेप यहाँ पे हम ले लेते हैं. This is square. One side shorter than one side, another side. एक छोटा हो रहा है दूसरे से नहीं. टू साइड्स लॉन्गर देन अदर टू साइड्स. दो साइड्स लंबे हो रहे हैं, दो साइड्स छोटे हो रहे हैं. नहीं, ऐसा ये भी ऑप्शन गलत है. तीसरा, ऑल साइड्स आर द डिफरेंट लेंथ. चारों साइड्स के लेंथ अलग अलग हैं. नो. एंड नंबर डी, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल लेंथ. इन 4 साइड्स जो है 1, 2, 3 एंड 4, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है. दिस इज करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, Find the number sentences equal to 275 into 9. इसके हमें find numbers निकालने, इसको सेंटेंस में हमें लिखने. तो किस प्रकार लिख सकते हैं? 27 into 9 plus 5 into 9. No. 270 into 9 plus 5 into 9. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है. तो ये थे आपके इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के पैटर्न. तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें. थैंक यू एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू.